कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पांच इख्तिराकारों ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन अलर्ट सिस्टम प्रोटोटाइप बनाया है ताकि इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एम्बुलेंस, फायर टेंडर्स और दीगर इसी तरह की गाड़ियां मरकजी शहराओं या ट्रैफिक क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़े। देखिए रिपोर्ट। इनोवेटर्स ने दावा किया है कि ट्रांसमीटर गैजेट जो ट्रैफिक सिग्नल के खंभों पर नस्ब किया जाएगा किसी मसरूफ चौराहे या मखसूस मकाम पर पहुंचने से एक किलोमीटर पहले गाड़ी की शिनाख्त कर सकता है, एक अलर्ट आवाज देगा और एलसीडी स्क्रीन पर भी वही मैसेज दिखाई देगा। ये सिस्टम ट्रैफिक को मुतबादल सड़कों से दूर कर देगा और इमरजेंसी गाड़ियों को महफूज रास्ता फराहम होगा। इनोवेटर्स ने कहा कि हमारी तवज्जो ट्रैफिक जाम की वजह से इमरजेंसी गाड़ियों के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर पड़ने वाले शदीद असरात पर है। गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद और सड़कों की महदूद तोसी की वजह से ट्रैफिक सिस्टम काफी दबाव झेल रहा है। बैरून मुमालिक में जहां सड़कों की चौड़ाई और लंबाई की वजह से इमरजेंसी गाड़ियों के लिए एक अलहदा लेन बनाई गई है, वहीं कश्मीर में एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक से गुजरना मुश्किल नहीं ना के बराबर है। हमने अब कोशिश की कि हम ऐसा डिवाइस बनाएं जो इम्प्लीमेंट हो। पहले तो हमारी अपनी श्रीनगर सिटी में, क्योंकि श्रीनगर सिटी अब स्मार्ट सिटी बन रही है, तो उस वजह से हमने सोचा कि हमें पहले अपनी ही सिटी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो हमारा जो ये डिवाइस है, इट्स आर ए बेस्ड एम्बुलेंस डिटेक्शन अलार्म। इसमें दो पार्ट्स है, एक ट्रांसमीटर साइड है, एक रिसीवर साइड है। ट्रांसमीटर साइड विल बी प्लेस्ड एट 1 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट जहाँ पर ट्रैफिक जैम एक्चुअली होता है। जब भी एक एम्बुलेंस आ रही है टुवर्ड्स जंक्शन पॉइंट एंड इट कम्स इनटू द रडार ऑफ 1 किलोमीटर रडार ऑफ द जंक्शन पॉइंट, एक एम्बुलेंस के पास एक टैग होगा। दिस विल बी द टैग, द एटीएम साइज टैग, वो ड्राइवर कैरी करेगा। इफ़ देयर इज एनी इमरजेंसी केस, वो हॉस्पिटल से अपने साथ टैग उठाएगा। व्हेन इट कम्स इनटू द रडार ऑफ दिस जंक्शन पॉइंट एट 1 किलोमीटर डिस्टेंस, हमारा ट्रांसमीटर साइड लगा होगा जो कि इस टैग को डिटेक्ट करेगा। इनोवेटर्स में इंजीनियर मन्नान सज्जाद मलिक, फरहाना फयाज बट्टू, मोहित अहमद चिश्ती, बीटेक सातवीं सेमेस्टर के तलबा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोहित हाफिज और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आलम भट्ट आईओटी जकुरा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से शामिल हैं। मैं भी इंस्पायर हुआ काफ़ी, मतलब जैसे फॉरेन हमारी कंट्रीज है वहाँ पे जैसे नई नई साइंटिफिक रिसर्चेज होती है, इनोवेशंस होती है, सर उनको देख के हम काफ़ी ये हुए, मतलब सबसे इंस्पायर हुए। तो हमने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा एक इनोवेटिव कुछ ऐसा सामने लाए जिससे हमारे जो सोसाइटी है या जैसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी है, मतलब उसमें ये कुछ ऐसा कुछ आए कि जिससे हम ये इन डेथ्स को ओवरकम कर सके। सो दैट हम इस मॉड्यूल पे आए, इस इनोवेशन पे आए। नौजवान इनोवेटर्स का कहना है कि ट्रांसमीटर को मजीद आरएफ रीडर के साथ जोड़ा जाएगा जो एम्बुलेंस पर रखी हुई चिप का पता लगाएगा। एम्बुलेंस जंक्शन के 1 किलोमीटर के हुदूद में आते ही एफआर रीडर चिप का पता लगाएगा और आरएफ मॉड्यूल का इस्तेमाल करके जंक्शन पॉइंट पर वायरलेस सिग्नल भेज देगा जिससे इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियों को आसान रास्ता मिल सकेगा। अभी नौजवानों ने हुकूमत से खातिर खा फंड्स फराहम करने की दरखास्त की है ताकि वो इख्तिरात पर अपने काम को तेज कर सके और नई इजादात से लोगों की जिंदगी को आसान बना सके। न्यूज 18 के लिए रईस मागरे की रिपोर्ट।